हमारे जितने भी ये सामने भाई लोग खड़े हैं स्टेज के, सर आप ही लोग से कह रहा हूँ, सर जगह ले लीजिए अपनी अपनी जगह, सभी के लिए जगह दी गई है मैदान में। बैठो, ओपनिंग बैट्समैन जाए लाइव एक्शन के साथ, जोरदार ताली बजाए एक बार। अच्छा, हमारे जितने भी भाई लोग यहां पर मौजूद हैं वो सभी लोग ध्यान से मेरी आवाज को सुनेंगे, कमेंट्री बॉक्स के आसपास कोई भी बातें नहीं करेगा सिवाय मेरे। ओके, तो पहला ओवर लेकर टीम देहरादून धमाका क्लब के सबसे बेहतरीन गेंदबाज बॉय रजत मुंडे। ओ यस सभी, तो पहला मुकाबला आज का कांटे की टक्कर, फुल टॉस गेंद ड्राइव किया वहां पर, फील्डर बहुत तेजी से आ रहे हैं बाउंड्री लाइन पर, अच्छी फील्डिंग जगत सरकार की, स्ट्राइक रोटेट हुई है और पता है कि पावर प्ले चल रहा है, 8 ओवरों का निर्धारित ये मुकाबला, लिमिटेड ओवर की क्रिकेट है, काफी मजा आता है और फटाफट क्रिकेट होती है। बाबा महाकाल की नगरी से एक बार फिर से हम आप सभी के बीच उपस्थित हैं और आज 6 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। इंडिया के टॉप मोस्ट स्टार
इस टूर्नामेंट में आज खेलते हुए नजर आएंगे, वो भी खिलाड़ी। हेलो हेलो, अर्जुन क्लब बुट्टीवेरी पहले बल्लेबाजी करती, टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया। लीजिए खड़ी कर दी है वहां पर, क्या कैच पकड़ेंगे स्क्वायर लेग की तरफ और आराम से क्लियर करेंगे। टाइमिंग का कोई तोड़ नहीं था और सीधे 6 रन मिले वहां पर बैट्समैन को। तेज डिलीवरी, लॉब किया है वहां पर कवर्स में, सीधे बाउंड्री लाइन तरफ निकल गई बॉल, वन बाउंस ओवर दो, 4 रन। चूना कम था तो फ्री हिट हुए और फायदा उठा पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। रन आउट छोड़कर कहीं भी बॉल को पहुंचा सकते हैं अपने दिन पे, शुरुआत काफी अच्छी हुई है, एक बेहतरीन रोमांचक और कड़क मुकाबला। थोड़ा सा चेहरे पे कोलगेट, लेकिन उसके बाद पता था कि वापस दोबारा फेंकनी पड़ेगी ये बॉल। दर्शकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई और मैदान काफी अच्छा, काफी बड़ा मुकाबला। लीजिए बड़ा शॉट, क्या बात है, सीधे बाउंड्री लाइन तरफ निकल गई, वन बाउंस ओवर दो, 4 रन। पहले ही ओवर में ऐसी शुरुआत अगर किसी भी टीम को मिल जाए तो उस टीम का जो आत्मविश्वास होता है वो सातवें आसमान पर होता है। काफी अच्छी बैटिंग की, हैंड आई कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा देखिए, और शॉट काफी अच्छा खेल रहे हैं वहां पर बैट्समैन रविराज। ओहो, बहुत ही अच्छी डिलीवरी, सैंडी अपने कंधे खोलते हुए और ले में वापस आते हुए सैंडी संदीप, और देखते हैं कि धमाका क्लब यूके का जो डिसीजन है, आपको बता दूं टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का, वो कितना सही साबित होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिरोजिया ट्रॉफी 2022 बाबा महाकाल की नगरी, लाइव एक्शन। लीजिए वहां पर यह शॉट है या कैच है या आउट है, और कति परिवर्तन तही दिखा के
आ गए अगले बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए। कितने रन बनाए रविराज ने जरा बताएं? 14 रन बनाकर और मात्र 86 रन से अपने शतक सूकर पवेलियन लौटे हैं जीवन के पहले। चलते हैं और गेंदबाज लीजिए टीम के सबसे बेहतरीन उम्दा गेंदबाज और कामरान। अगर गेंदबाजी कर रहे हो तो हाथ उठाएं। कामिल कामरान ओके। और कामरान एक बेहतरीन गेंदबाज इंडियन टेनिस क्रिकेट के, आपको बता दूं बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट ये भी खेली है, लेकिन बैटिंग में जो तो सितारे आपको रजत मुंडे एक बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन और अधिकतर आपने देखा होगा महाराष्ट्र से ये भी वाईवीएल की टीम से लगातार खेलते हैं, लेकिन इस समय अर्जुन क्लब बुट्टी बोरी की टीम से अपनी सेवाएं देते हुए फील्डिंग में बदलाव किया है, थोड़ा सा मिड ऑन मिड ऑफ लेकर रखा है और एक मिड विकेट पर खिलाड़ी है तो दूसरा लॉन्ग ऑफ पर सरोज को लिया है। एक बैकवर्ड पॉइंट पर है, शॉर्ट कवर पर, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइनलिस्ट, विकेट कीपर गेंदबाज और एक सिल मिड ऑन पर। अंदर की तरफ आई डिलीवरी, यस नो, वहां पर रन आउट मिल सकता है, डायरेक्ट बच गए। बचपन में कंचे खेले होते तो निशाना जरूर लगा देते, चूक गए। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा शारिक 11 भोपाल वर्सेस पिरामीटर के बीच उस्मान पटेल खेलते हुए नजर आएंगे अगले मैच में, अंकुर सिंह कैप्टन, दूसरी तरफ जिग्नेश पटेल, अफजल सिंधी, बंटी पटेल, ये सारे खिलाड़ी आपको, प्रथमेश पवार, थॉमस डाइस, ये सारे खिलाड़ी अगले मैच में खेलते हुए नजर आएंगे आपको। टकटकी लगाकर बैठे हैं दर्शक। स्ट्राइक में कृष्णा, मुंबई के लोकल बॉय कृष्णा, कृष्णा बड़ा मुकाबला है और उन्हें पता है कि क्वालिफायर मुकाबले हैं, लीग्स के मैचेस हैं, जो भी टीम 2 मैच जीतेगी क्वालिफाई कर जाएगी। वहां पर बता दूं लीजिए खेला वहां पर डाउन द ग्राउंड, लेकिन फील्डर अविनाश राणा दिल्ली के लोकल बॉय मिड ऑन पर लगे हैं, काफी अच्छी फील्डिंग और मौसम की भी थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल अभी धूप है लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा छाया बढ़ती जाएगी, क्रिकेट में भी आपको रोमांच बढ़ता जाएगा, यही क्रिकेट है। और शॉट का बात है सीधे, इसे कहते हैं अफलातून टाइमिंग, SIX। शॉर्ट पिच गेंद, एस कवर स्मेल ऑफ किया है सीधे वहां पर, एस्ट्रा कवर की तरफ खेला, SIX छक्का, दो गेंदों पर 2 सिक्स, एक दर्जन रन बटोरे। और जब इस तरीके से खिलाड़ी शॉट खेलते हैं तो निश्चित रूप से ऑडियंस तालियों से नवाजती है, आपको बता दूं बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हुए स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे 29 रन। मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी है और मैं बता दूं अर्जुन क्लब की जो बैटिंग लाइन काफी मजबूत और काफी गहराई है इनमें,
इनकी टीम की बैटिंग में काफी गहराई है और बहुत सारी टीमें आई इस गहराई में डूब के चली गई, तो देखते हैं आज क्या हो रहा। एक छक्का और लगाते हैं तो अनिल राठौर जी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा, पैकिंग वाला। ओके, और लीजिए वहां पर गेंदबाज, वाइट बॉल, अभी भी अगर लगाएंगे तो गिफ्ट हैम्पर लेंगे, दोबारा फेंकनी पड़ेगी ये वाली बॉल फिर से। तो टीम की रनसंख्या 30 रनों पर पहुंच चुकी है, पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, और इसी तरीके से खेलते रहे तो 100 तक आंकड़ा पहुंच सकता है। लेकिन एक और वाइड बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, हाइट कम फाइट ज्यादा, देखते हैं। हवाएं काफी चल रही हैं और जैसा कि न्यूजीलैंड वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च में चलती हवाएं, वैसी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है इस मैदान पर। कुछ ही देर के बाद जैसे ये मुकाबला स्कोर बोर्ड पे 31 31 रन, क्रिकेट की दीवानगी देखिए, दर्शकों को जहां से जगह मिल रही है वहां से मुकाबला देख रहे हैं, क्योंकि पता है कि बड़े मुकाबले हैं आज। नो बॉल का इशारा और फ्री हिट है, तो दो वाइट एक नो बॉल, हमें तो नोबॉल ने लूटा, उनमें कहां दम था, पैर वहां पड़ा जहां चूना कम था, फ्री हिट है। ओके, बाबा महाकाल की नगरी में आसमान में सितारे आज आपको दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि, और फ्री हिट थी वहां पर विकेट, लेकिन खुशी गम में। अच्छी गेंद, वापसी की कामरान ने, तारीफ करनी होगी, और जब आप इतनी क्रिकेट खेल लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आपके अंदर आ जाता है कि कौन सी बॉल कब करनी है, क्योंकि गेंदबाज के पास 6 गेंदे डालने की जो एबिलिटी होती है वो किसी के पास नहीं होती, 6 गेंदे कोई सी भी डाल सकते हैं ये और बैट्समैन को परेशान कर सकते हैं। और लीजिए खबर खेला है, सीधे बाउंड्री लाइन तरफ बॉल निकल गई, अंपायर का इशारा आ रहा है। विकेट के नुकसान पर रविराज पवेलियन लौटे, काफी महंगे साबित रहे अमर राव कामरान, और अब अगला ओवर लेकर आ रहे हैं टीम की तरफ से अविनाश, जो कि बहुत अच्छी शुरुआत किया यहाँ पर अर्जुन क्रिकेट क्लब ने, और शानदार प्रदर्शन करती हुई बुट्टी बोरी की यह टीम नागपुर के आसपास एक क्षेत्र की बेहतरीन शानदार मंजी हुई टीम है, वहाँ के
बढ़िया बॉल खेला है गेंद को लॉन्गन के ऊपर जहां पर बिल्कुल इनसाइड आउट। रजत मुंडे काफी शानदार खप्पू बल्लेबाज वहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रिसीवर्स को स्कोर आगे बढ़कर 40 रन तक पहुंचाते हुए टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। बता दूं भाई दो ओवर का पावर प्ले है भाई। शुरुआत है यहाँ पर 41 पे बन बहुत अच्छा स्टार्ट है अर्जुन क्लब बुटी बोरी का। इस बार काफी शॉर्ट बॉल उछाल ज्यादा था यहाँ पर एम्पायर का इशारा यहाँ पर फिर से वाइड बॉल का इशारा और वन बाउंस के साथ में चेताते हुए यहाँ पर काफी ज्यादा अतिरिक्त उछाल वहाँ पर गेंदबाजी में एक बाउंस के साथ में वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा इसी बीच कुल स्कोर आगे बढ़कर एक विकेट के नुकसान पर 42 रन। दो वाइड कंट्रोल करना होगा यहाँ पर थोड़ा सा गेंदबाजी में अविनाश को अपनी इस बार थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आते हुए गेंद थोड़ा सा बल्लेबाज भी सरप्राइज रहे वहां पर कट करना चाहते थे चूंकि पूरी तरीके से बल्लेबाज वहां पर वो शानदार डिलीवरी बहुत अच्छी गेंदबाजी के साथ में लेमन कट करना चाह रहे थे चूकते हुए यहाँ पर बढ़िया शॉट। इस बार बाबर फुल स्ट्राइक उठा करके लगे इनको डीप मिड ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का। यार एक बार फिर से यहाँ पर काफी बेहतरीन शुरुआत करते हुए यहाँ पर तारीफ करनी होगी आज इस मैदान पर। भाई दर्शकों से गुजारिश है बाहर से बॉल फेंकवा दिया करें भाई हमारे प्यारे प्यारे दर्शक लोकल बॉयज हमारे। इस बार काफी नीचे रह गई गेंद लो बॉल थी यहाँ पर खेलने का प्रयास बल्लेबाज चूके यहाँ पर पूरी तरीके से शानदार गेंदबाजी यहाँ पर तारीफ करनी होगी छक्का खाने के बाद एकदम चूकते हुए काफी लो डिलीवरी थी निचली बॉल जो कि टप्पा खाने के बाद काफी नीचे रह गई गेंद परसों का असर अभी भी मैदान पर दिखता हुआ बारिश का थोड़ा सा। इस बार काफी बढ़िया बॉल थी थोड़ा सा उछाल लेती हुई कट करना चाह रहे थे वहां पर बल्लेबाज चूके परफॉर्मेंस करते हुए 48 रन पर थमा हुआ स्कोर अब तक। तीसरा ओवर चल रहा है जबकि बहुत अच्छी शुरुआत दिया है यहां पर बुटी बोरी ने अर्जुन क्लब बढ़िया बॉल थी यहां पर गली के ऊपर से गेंद को निकालना चाह रहे थे लेकिन बहुत शानदार फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा और गेंद को रोकते हुए तीन ओवर में 48 रन कुल स्कोर आगे बढ़कर एक विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी शुरुआत यहां पर कही जाएगी लेकिन उस तरफ धमाका क्रिकेट क्लब को भी कुछ धमाके करने होंगे एक दो विकेट गिराकर जिस तरीके से सिरदर्द बने हुए अभी तक ये दोनों ही बल्लेबाज
खास तौर से रजत मुंडे लेफ्ट आर्म में जो बल्लेबाज है भाई। तैयार यहां पर थोड़ा सा सलाह मशवरा होती है आपस में यहां पर, और एक टीम मीटिंग्स होती है वहां पर, और थोड़ा सा अंपायर जो कि यहां के रूल्स और नियम्स के बारे में कुछ समझाते हुए, क्योंकि अलग अलग जगह की अलग अलग कंडीशंस रहती है, उसका थोड़ा सा बेनिफिट कई बार टीम को नहीं मिल पाता। और यहाँ पर अब पूरी तरीके से नॉलेज लेने के बाद नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस करते हुए तो भाई फिरोजिया ट्रॉफी जिसका प्रथम पुरस्कार है भाई 4 लाख रुपए एवं द्वितीय पुरस्कार है 2 लाख रुपए अनिल जी फिरोजिया भाई क्षेत्र के लाडले सांसद महोदय जो कि शानदार इस टूर्नामेंट की मैन ऑफ द सीरीज में दे रहे हैं भाई बेहतरीन हीरो बाइक। देखिए कितना शानदार आयोजन उज्जैन के इस मैदान पर, बेहतरीन टूर्नामेंट विगत 18-19 सालों का एक लंबा शानदार कामयाबियों से भरा हुआ सफर। और अनिल राठौर जी की तरफ से भी काफी विशेष पुरस्कार रहते हैं भाई, गिफ्ट एम्पर में अगर कोई भी बल्लेबाज 3 छक्के लगाएगा और गेंदबाज अगर कैसे भी करके 3 विकेट ले लेगा तो उसके लिए भी भाई विशेष पुरस्कार है गिफ्ट एम्पर के साथ में। एक ओवर के अंदर अन्नु आए हैं अगला ओवर लेकर, पहला ही ओवर लेकर आ रहे हैं अन्नु अपना। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी और काफी बढ़िया रिवर्स पंच वहां पर फ्लैग सिक्स चौवन रन 1 विकेट के नुकसान पर बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए यहां पर तारीफ करनी होगी। और थोड़ा सा फील्ड प्लेसिंग में थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर आते हुए और डीप स्क्योर लेके खिलाड़ी को थोड़ा सा सर्कल के अंदर अब बुलाते हुए, क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहा है रिवर्स तो फिर से खेलना चाहेंगे यहां पर। कृष्णा बहुत शानदार बल्लेबाज है मैदान पर, तारीफ करनी होगी उनकी। फुल पर आयर गेंद को पूरी तरीके से स्कूप करते हुए फाइन लेग के ऊपर से शानदार बाउंड्री वन बाउंस पिछली 2 गेंदों पर जिस तरीके से दोनों दिशाओं में गेंदबाजी को खेला है यहां पर, बिल्कुल गेंदबाज के साथ में जिस अंदाज में बहुत शानदार राइट हैंडर बल्लेबाज है कृष्णा, कभी ऑफ स्टंप कभी लेग स्टंप पर चारों तरफ बैगन व्हील बनाते हुए और एनालिसिस तैयार करते हुए हमारे मनीष अग्रवाल जी। बेहतरीन डिलीवरी यहां पर, तारीफ करनी होगी भाई शानदार गेंदबाजी, अच्छी वापसी करते हुए यहां पर गेंदबाज बहुत बेहतरीन बैटमैन को पूरी तरीके से बीट कराते हुए। आगे निकल कर आए थे, थोड़ा सा गेंद को खेलना चाह रहे थे, इनसाइड ही लगा शॉट फाइन लेग पर, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा बहुत शानदार गेंद को रोकते हुए इसी बीच एक और रन के साथ में कुल स्कोर आगे बढ़कर 59 रन। बहुत अच्छी शुरुआत यहां पर सने सने आगे बढ़ते हुए, और जहां पर खराब गेंद मिल रही है तो उसका भी पूरा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी भाई, और खासतौर से चारों तरफ मैदान के। और सबसे अच्छा फायदा यह है कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा परेशानी का सबब बनता हुआ फील्ड प्लेसिंग में, बार बार क्योंकि चेंज करना पड़ता है भाई। अगली डिलीवरी यहां पर
शॉट एंड वाइड, काफी बढ़िया शॉट, सीधा ही खेल गए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, इस बार काफी बेहतरीन हाई फाई सिक्स है। काफी बढ़िया बॉल यहां पर, लेकिन थोड़ा सा बाहर की तरफ गेंद निकलती हुई, वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ में कुल स्कोर आगे बढ़कर 66 रन। शानदार फिरोजिया ट्रॉफी सन 2022 में भरत चांदवानी जी भाई, निशेष भतम जी भाई, हमारे चानू भाई डीजे काफी सहयोग मिला है, भाई असलम भाई, अमजद लाला, इस बार थोड़ा जल्दी कर गए यहां पर, बल्ले का जो टो कहते हैं आखिरी किनारा वो लगता हुआ, गेंद को खेलना चाह रहे थे डीप स्क्योर लेग के ऊपर से, लेकिन जो टाइमिंग होना थी वो जल्दी कर गए थोड़ा सा, लेकिन भाग्यशाली रहा कि गेंद थोड़ा सा ओवर हवा में नहीं गिरी। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी और डीप स्क्योर लेग पर भी दो खिलाड़ी मौजूद थे, वहां पर थोड़ा सा लकी रहे बल्लेबाज, एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में यहां पर अभी अपना विकेट गंवा सकते थे, लेकिन बहुत शानदार परिवर्तन कर। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और सभी टीम और चमचमाती हुई मैन ऑफ द सीरीज में हीरो बाइक्स अविनाश राणा है, अगला ओवर लेकर एक बार फिर से तैयार। पिछले ओवर में भी काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी उन्होंने, सचिन तांबे जी की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार है भाई उनके लिए क्लीन बोल्ड मारने पर। बहुत शानदार डिलीवरी यहां पर, बिल्कुल पूरी तरीके से बीट कराते हुए बल्लेबाज को, एक दाउंडा आगे खेलना चाह रहे थे गेंद, लेकिन लाइन की तारीफ करनी होगी, लाइन और लेंथ की गेंदबाज की, जिस तरीके से अब तक उनको बांध के रखा है अब तक, जो कि बहुत बड़ा बल्लेबाज है भाई रजत। शॉर्ट एंड वाइड कट करते हुए हल्के से कवर की दिशा में, वहां पर काफी अच्छी फील्डिंग सर्कल के ऊपर गेंद को रोकते वहां पर फील्डर, बड़े आराम के साथ में एक रन मुकम्मल करते हुए इसी बीच एक रन के साथ में कुल स्कोर आगे बढ़कर 68 रन, 68 रन। भाई इन दोनों टीमों में से जो भी खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच रहेगा इस मैच का, उसको 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा भाई, फ्रॉम क्विक ऑल मल्टी रिचार्ज ऐप वालों की तरफ से भाई, तो एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है भाई। टाइम आउट का जमाना है भाई, थोड़ा खिलाड़ी भी अनुशासन का पालन करें भाई, क्योंकि नए नए नियम आते रहते हैं लगातार, खास तौर से T20 में भी और भी। इस बार काफी शॉर्ट बॉलर उठाकर खेला गेंद को फाइन लेग रीजन के ऊपर से, वहां पर काफी सुंदर फील्डिंग, लंबाई का पूरा फायदा उठाया वहां पर फील्डर की, टेक्निक का वहां पर बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए, और ये देखिए कीपर के थोड़ा सा ऊपर से निकलती हुई इस बार, लेकिन भाग्यशाली रहेगा वहां पर ओवर थ्रो का कोई चांस नहीं बना, इसे को रन के साथ में कुल स्कोर आगे बढ़कर 70 रन पूरे होते हुए 60 कंप्लीट, हाँ सॉरी 70 70 रन 70।
उसी पैर में आ गए हम भी, 69, 69, 89 कई बार। बहुत अच्छी सीमित गेंदबाजी अब तक इस ओवर में देखने को मिली, ज्यादा आजादी से शॉट लगाने का मौका नहीं दिया है। इस बार फ्रंट फुट पर आए थे गेंद को, अजीब गरीब अंदाज में स्कूप करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत शानदार लाइन गेंदबाज की तारीफ करनी होगी चहलकदमी की, तो उन्होंने थोड़ा सा और गेंद को वाइडिश जैसे कहते हैं भाई, थोड़ा सा वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल करते हुए और बल्लेबाज को वो शॉट खेलने का मौका नहीं दिया वहां पर। बिल्कुल चतुराई भरी गेंदबाजी, माइंड गेंदबाजी जैसे कहते हैं भाई, दिमाग का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज इस समय। शानदार लाइन और लेंथ, बेहतरीन डिलीवरी, बिल्कुल गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और जिस स्पीड में गेंद को थोड़ा सा लो किया ऊपर से ही बल्ला घुमा दिया यहां पर। बहुत शानदार गेंदबाजी, क्लास गेंदबाजी भाई, इस टूर्नामेंट में काफी पिछले हफ्ते से ही देख रहे हैं भाई, 6-7 तारीख से ही बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है अब तक, बिल्कुल क्वालिटी वाली गेंदबाजी। 70 पे ही थमा हुआ है स्कोर अब तक, पांचवा ओवर है जबकि एक विकेट के नुकसान पर। पावरफुल स्ट्राइक बिल्कुल जनरेट करते हुए गेंद को, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से पावरफुल छक्का, अपना आत्मविश्वास बल्लेबाज ने वापस किया, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, इस पूरे ओवर में काफी परेशान किया उन्होंने, 9 रन आए हैं सिंगल फिगर में, बांध कर रखा बिल्कुल, और आखिरी गेंद पे छक्का आ गया, नहीं तो 3 ही रह जाते। मिली है सीधा खेला है लॉन्ग ऑफ पर, सही जजमेंट कामरान का, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा, टीम की रन संख्या को पहुंचाया अब सिंगल के साथ 77-27 और काफी बड़ा मुकाबला, और अभी ये दोनों बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन विजय एक बेहतरीन गेंदबाज है टेनिस क्रिकेट के, और धमाका क्लब देहरादून की जो टीम है काफी नाम गमा चुके, काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस टीम में, लेकिन प्रदर्शन आज देखते हैं कैसा रहता है सबका। और विजय की बहुत ही अच्छी डिलीवरी, और विजय की एक खासियत है कि डिलीवरी पर डिलीवरी कराते हैं ये, अगर क्लीन बोल्ड मारते हैं तो 500 रुपए का नया वाला नोट दिया जाएगा इन्हें।
तो यहां से थोड़ा सा ब्रेक लगा, ऐसा लगा कि गाड़ी बहुत तेज चल रही थी क्योंकि इंजन काफी गर्म है दोनों बैट्समैन का। लेकिन विजय वहां पर क्या तोड़ है इस चीज का, काफी अच्छी गेंदबाजी विजय ने की है, तारीफ करनी होगी विजय की। और यही होता है कि जब कोई नया गेंदबाज होता है, नया दिन होता है, नया बैट्समैन होता है, तो थोड़ा सा समझने में वक्त जरूर लगता है कहीं ना कहीं। तो पढ़ रहे हैं बैट्समैन, एक तरीके से होमवर्क कर रहे हैं। एक समय लग रहा था कि तेजी से स्कोरबोर्ड भाग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लगा है। काफी अच्छी गेंदबाजी विजय की। व्हाट अ गेंदबाजी, अपील वहां पर हल्की सी, देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं, लेकिन किस्मत के धनी रहे, बच गए। किस्मत भी देखिए बैट्समैन के साथ है, भाई का इशारा अंपायर का स्कोरबोर्ड पे, इस बाइक रन के साथ लगे हैं 78। निश्चित रूप से बहुत ही काफी अच्छी क्रिकेट, इसके बाद एक बहुत ही बड़ा मुकाबला टेनिस क्रिकेट का। और लीजिए वहां पर आखिरी गेंद पर आखिरकार शॉट लगाई दिया स्कोर लेग बाउंड्री के ऊपर से, गगन चुम्बे उड़न खटोला। तो टीम की रन संख्या पहुंची है, आपको बता दो 6 ओवर की समाप्ति पर 84-84 रन, एक विकेट के नुकसान पर। रवि राज आराम से पवेलियन बैठे हैं, एमपी के नंबर वन ऑलराउंडर और इंडिया के टॉप 3 में शुमार दिलीप बिंजुआ, उनका इंतजार है दर्शकों का। देखते हैं दर्शक कब तक उनका इंतजार करते हैं, कब वो बैटिंग पे आएंगे जब विकेट गिरेगा तो। दिलीप बिंजुआ जिन्हें पूरे इंडियन क्रिकेट में उपाधि दी गई है बिंजुआ जी। ओके, अपना पहला ओवर किया था जब वो शुरुआत की थी, तो अब 7वां ओवर लेकर आए हैं संदीप सैंडी। काफी अच्छे गेंदबाज हैं ये भी टेनिस क्रिकेट के। अच्छी गेंद वहां पर, रन आउट कर पाएगा नहीं, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। एज लगा है वहां पर, थर्ड मैड हमारे कैमरामैन पैनी नजर बनाए रखे हुए। लीजिए खेला काफी कड़क शॉट, सीधे बाउंड्री लाइन तरफ निकल गई बॉल, चल रहा है। जनसंख्या पहुंची है, अब तो मैच 1100 रुपए दिए जाएंगे फ्रॉम क्विक ऑल मल्टी रिचार्ज ऐप वालों की तरफ से। अब ये नाम मैं मैन ऑफ द मैच में ही लूंगा। ओके, क्या बैटिंग की है रजत मुंडे ने, छा गए आज बल्ले बल्ले। बॉल फुटबॉल नजर आ रही है, ड्राइव किया एक बार फिर से, फील्डर आ रहा है तेजी से, अच्छी फील्डिंग कामरान की, विकेट कीपर थ्रो डायरेक्ट हिट। और कंचे तो बचपन में बहुत खेले हैं, निशाना भी सटीक लगाया, लेकिन रन दे बैठे, बच गए। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा मुकाबला पिरामीटर वर्सेस शारिक 11 भोपाल के बीच खेला जाएगा।
उस्मान पटेल कुछ ही समय पश्चात खेलते हुए नजर आएंगे इस मैदान पर। रायगढ़ का टाइगर सैंडी, लीजिए हल्के हाथ से वहां पर स्क्वायर कट किया है, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर अच्छी फील्डिंग शॉट कवर के फील्डर भी पहुंचे थे, और लीजिए ये छोटी छोटी गलतियां वहां पर दिक्कत का सबब बन सकती है। एक और रन लिया और एक और मिस्टेक, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ा रही है ऐसा लग रहा है, शॉर्ट रन है। ओके, शॉर्ट रन एक, टीम की रन संख्या पहुंची 94। इंडिया से ही नहीं पूरे वाड़ाश बॉल वहां पर, अच्छी गेंद सैंडी की। सैंडी एक बार जब कहा जाता है क्रिकेट में सिक्स हेड का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं कि अब टप्पा कहां पकड़ पाते हैं। और यह भी सच है कि जब आप प्रदर्शन नहीं कर पाते तो एक चीज याद रखना, सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत में फंस जाते हैं आप। चलते लीजिए कवर्स में खेला, वहां पर फील्डर आ रहा है एक्स्ट्रा कवर के, और अच्छी फील्डिंग वहां पर जगत सरकार की। टीम की रन संख्या पहुंची सिंगल के साथ 95। ओवर की समाप्ति हुई है, सात ओवर की समाप्ति पर 95। जिन्होंने गेम में वापस लेकर आए और ब्रेक लगाया एक तरीके से, जो एक बेहतरीन टोटल की तरफ बढ़ रही थी। आपको बता दूं अर्जुन क्लब बुट्टी बोरी, तो विजय ने ब्रेक लगाया, विजय आखिरी ओवर लेकर आए, और यहां से देखते हैं कि कितने हिट लगा पाएंगे दोनों बैट्समैन रजत मुंडे और कृष्णा बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर चूके, इस बार चालाकी नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इस बार विजय जीतेंगे और विकेट गिरी। अपनी कदरदानी को यूनस काफी विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे बिंजुआ जी, अगले बैट्समैन टीम के कप्तान नंबर वन ऑलराउंडर दिलीप बिंजुआ। लीग के मुकाबले चलते हुए इसके बाद दोनों टीमें रेडी रहेंगी, तुरंत टॉस होगा, तुरंत मुकाबला होगा। वार्ड गेंदबाजी, क्या बात है, और घर पे देखा होगा, एक उदाहरण देना चाहता हूं कि गैस पे दूध रखते हैं और गैस तेज करते हैं तो दूध एकदम से ऊपर आता है, और गैस बंद कर दो तो एकदम से नीचे भी चला जाता है। तो तेजी से स्कोर चल रहा था, अब धीरे से नीचे भी आ रहा है, ऐसे ये क्रिकेट में चलते हैं। टकटकी लगाकर मुकाबले का आनंद लेते हुए दर्शक,
विजय को हाइट का फायदा मिलता है, शोल्डर उनका काफी मजबूत है गेंदबाजी और करते हैं तो, लेकिन आज प्रभावित किया है इस गेंदबाज ने निश्चित रूप से, 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए वीट कराए और स्ट्राइक पे पहुंचे रियल स्टार दिलीप विजवा। अभी आपको बता दूं भंडारा खेलकर आए हैं, काफी अच्छे क्रिकेट 20 लाख में भी काफी खेले, चंदेरी में आपको बता दूं जब केरल गए थे तो शतक बनाया, उसके बाद मोहन बड़ौदिया में खेले तो शतक बनाया, मेडन ओवर डाला भंडारा में, उसके बाद टीम को जिताया, तो परफेक्ट ऑलराउंडर दिलीप विजवा। इनके पैर बहुत चलते हैं, आते से ही कारनामा शुरू कर दिया, पहला रन तेजी से भागे, दूसरे की मांग होगी, जगत सरकार आ रहे, देखते हैं वहां पर क्या होता है, रन आउट लेकिन बच गए। रनिंग विद विन द विकेट बहुत ही अच्छी, टीम की रन संख्या पहुंची इन दो रनों के साथ, हाँ कितने, अच्छा 99, ये सचिन तेंदुलकर का नंबर है, नर्वस 19, नहीं तो 70 शतक होते आपको बता दूं, किसमें वनडे में। ओके आपका ध्यान किधर है, खिलाड़ी उधर है, और लीजिए वहां पर किस्मत के धनी रहे, दो बाउंस ओवर दो चार। जाए विजय की उतनी कम है, टीम की रन संख्या 3 अंकों का आंकड़ा जब भी कोई टीम पार कर लेती है तो राहत की सांस लेती है, ऐसी कुछ चेहरे खेले खेले दिख रहे हैं यहां पर अर्जुन क्लब के। बल्ले का एक बार फिर से बाहरी किनारा, लेकिन वहां पर शेंडी, विकेट ही उखाड़ दिया, चलिए क्या रन लेंगे, तो जीत के लिए टोटल बनाने हैं 105 रन। कैप्टन से गुजारिश है भाई, वो अपनी प्लेइंग 11 शारिक 11 भोपाल, एक जानदार टीम है भाइयों की, काफी मेहमान सितारे वाला जिसमें होंगे भाई उस्मान पटेल जैसा बड़ा नाम, तो भाई उन दोनों ही टीमों के कप्तानों से गुजारिश है कि वो अपनी प्लेइंग 11 कमेंट्री बॉक्स तक पहुंचाने का कष्ट करें भाई। शारिक 11 भोपाल मध्य प्रदेश की एक शानदार चैंपियन टीम, और पैरामीटर्स बड़ौदा फ्रॉम गुजरात, वर्ल्ड क्रिकेट का एक सबसे विश्वसनीय और बड़ा स्टेडियम, तो भाई दोनों टीमों के कप्तानों से गुजारिश है कि वो अपनी प्लेइंग 11 कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाने का कष्ट करें। हमारे चांदवानी जी से संपर्क करें, वो
तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का भाई, स्वर्गीय भूरेलाल जी फिरोजिया जी की स्मृति में चलता हुआ अखिल भारतीय रात्रिकालीन हैवी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता शानदार सांसद फिरोजिया ट्रॉफी सन 2022। तो काफी बढ़िया टूर्नामेंट यहां पर चलता हुआ, जिसका प्रथम पुरस्कार है भाई 4 लाख रुपए एवं द्वितीय पुरस्कार है 2 लाख रुपए और शानदार चमचमाती हुई बाइक मैन ऑफ द सीरीज में देख रहे हैं आप। अच्छा मेरी बात ध्यान से सारे दर्शक एक बात सुनेंगे, है ना भैया, आप ही से कह रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो सभी दर्शक। देखिए YouTube पे लाइव चल रहा है, हम आपको बार बार बोले हटो ऐसा करो तो पूरा वर्ल्ड ये सुन रहा है YouTube के माध्यम से, तो हमारी बात भी आप सुनिए, आप ही का टूर्नामेंट है, सपोर्ट कीजिए, कॉपरेट कीजिए। बार बार हम नहीं बोलेंगे कि YouTube पे लाइव चल रहा है, ये सब बातें नहीं बोली जाती, इसलिए अपना सभी लोग ध्यान रखेंगे और एक बार कोई चीज हम कहते हैं तो उसको बिल्कुल अपनाएंगे। और कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में वो जैन के जो दर्शक है महाकाल के वो काफी समझदार है। ओके तो जगत सरकार वेस्ट बंगाल के लोकल बॉय और उनके साथ गए हैं रोहित चंडीगढ़। दिलीप भैया मेरी आवाज सुन रहे हैं, नाम बताने के लिए वो खिलाड़ी करें, नाम नहीं मालूम। दिक्कत होगी नहीं तो बाद में आपको। वसीम भाई आप जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आकर संपर्क करें, वसीम भाई
ओके, अफरीदी के भाई वसीम भाई जी, आप ही से कह रहा हूं सर, आइए। गेंदबाज वर्मा हो तो हाथ उठाएं। वर्मा क्या नाम है आपका? स्ट्राइक पे रोहित, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर वेस्ट बंगाल के लोकल बॉय जगत सरकार, जिनका बल्ला है तलवार, जो कलता है गेंद से यलगार, जिनका करारा होता है प्रहार, वो है वेस्ट बंगाल का जगत सरकार। और पहली गेंद पर वापस लीजिए, क्या बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाएंगे, बड़ा शॉट रोहित, नो बॉल का इशारा अंपायर का, और बेनिफिट मैक्सिमम सिरोजिया मैक्सिमम। फ्री हिट है, कहीं भी लगा सकते हैं शॉट। लीजिए हेलीकॉप्टर शॉट, चलाया वहां पर डाउन द ग्राउंड, लेकिन फिंडर लॉन्ग ऑफ पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग। चलिए जगत सरकार, जिन्होंने अभी महाराष्ट्र में काफी अच्छी बैटिंग की, गुजरात में काफी अच्छा खेल कर आए, वेस्ट बंगाल में लगातार जितने भी टूर्नामेंट होते हैं तो सरोज और जगत सरकार दोनों काफी टूर्नामेंट जिता चुके हैं अपनी टीम को। काफी अच्छा कट किया बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर, देखते क्या कर पाते, लेकिन किस्मत के धनी रहे जगत सरकार। क्या जगत सरकार की सरकार बन पाएगी, क्या टीम जिता पाएंगे, क्या अपने हिसाब से खिलाड़ियों को चला पाएंगे जगत सरकार। और आप देख रहे हैं ये जो मुकाबला है 6-8 जो है, और कहा जाता है क्रिकेट में कि 6-8 का टप्पा, बाहुबली का कटप्पा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं लीजिए बड़ा शॉट डाउन द ग्राउंड, सीधे लीजिए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से, दर्शकों में होड़ लगी। बाहर जाती है, छक्का पड़ता है, चौका पड़ता है, विकेट गिरता है, तो आपको बहुत खुशी होती है, लेकिन ये खुशी अगर किसी ने दी है आपको तो 6-8 के जो ऑनर साहब यहां पर हमारे बीच में बैठे हुए हैं उनके लिए भी जोरदार एक बार ताली बजा दें सभी लोग, बहुत ही जबरदस्त शख्सियत हमारे बीच में 6-8 के ऑनर। ओके रोहित खड़े खड़े खेलते हैं, बहुत ही अच्छी डिलीवरी। जब मैंने ये 6-8 का बॉल हाथ में पकड़ा था तो लगा कि बहुत बॉल कड़क है, लेकिन जब पड़ता है तो सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाता है। आप स्क्रीन पे इस बॉल को लगातार देखते रहते हैं, 6-8 बॉल लीजिए वाला पुल, क्या बात है रोहित, बॉल को सीधे पहुंचा दिया महाकाल की नगरी उज्जैन में।
तो अभी ऑडियंस का जो ये आपने देखा, क्योंकि रायगढ़ का टाइगर इस मैदान पर आ चुका है उस्मान पटेल, तीन छक्के लगाएंगे तो गिफ्ट टेम्पर देंगे तुरंत आपको। जीत चुके हैं। ओके, क्या बात है, खड़ी कर दी है, कैच कौन पकड़ेगा? मिड ऑफ के फील्डर कैच का पकड़ में, और जी हां, रोहित ने काफी अच्छी शुरुआत देकर पवेलियन लौटते हुए। आपको दिया जा रहा है, तीन सिक्सर लगाए रोहित ने, चंडीगढ़ के लोकल बॉय, सिक्स एट के ऑनर। ये बॉल वही है जिसको आपने मारा है, उन्हीं के ऑनर। ओके, अगर क्लीन बोल्ड करता है कोई भी गेंदबाज तो फ्रॉम यूनिकॉल मल्टी रिचार्ज ऐप की तरफ से नया वाला नोट दिया जाएगा 500 रुपए का। गेंदबाज नायडू हो तो हाथ उठाए, नायडू। नायडू तो एक ओवर की समाप्ति पर धमाका क्लब का स्कोर है 21 रन एक विकेट के नुकसान पर। रोहित पवेलियन लौटे, सचिन मलिक गए अगले बल्लेबाज। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं सचिन मलिक, जगत सरकार का साथ देने के लिए। जीत के लिए 105 रनों का टारगेट मिला है, और जो भी टीम जीतेगी तो राहत की सांस लेगी, पॉइंट टेबल पर दो नंबर मिल जाएंगे। फिर दो मुकाबले और होंगे, क्योंकि दो मुकाबले क्वालिफायर में, क्वालिफायर करने के लिए दो मुकाबले लगातार जीतना जरूरी है, दो कभी भी जीत सकते हैं तीनों में से। वाटर शॉट सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, काफी तेजी से बॉल जा रही है, लेकिन मिड विकेट पर फील्डर है। और जगत सरकार की एक खासियत रही है कि देखकर शॉट खेलते हैं, बॉल को बढ़िया चार्ज करते हैं, समय पर शॉट लगाते हैं, खराब बॉल का इंतजार करते हैं, यही खासियत रहती है जगत सरकार की। स्ट्राइक पर पहुंचे सचिन मलिक। फिरोजिया ट्रॉफी बाबा महाकाल की नगरी में सभी खेल प्रेमी बंधुओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। इस पंचम गणेश की पूरी टीम जो है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराती है, उसके कैप्टन नितेश बाथम जी, असलम लाला, अमजद लाला, मोहन बाथम जी, ये चारों की चौकड़ी और उनके सभी जो साथी हैं। आपको बता दूं ये इतना अच्छा टूर्नामेंट बाबा महाकाल की नगरी में ये मुकाबला चल रहा है, और दर्शक दूर दूर से इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं। अगला मुकाबला कांटे की टक्कर, सचिन वाडा शॉट कवर में खेला, लेकिन क्या कैच होगा, और शॉट कवर के खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा, निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता। सरकार के जोड़ीदार सरोज, जो कि दुबई खेल चुके हैं, आपको बता दूं सरोज इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से बहुत ही बेहतरीन प्लेयर, टेनिस क्रिकेट, वेस्ट बंगाल के लोकल बॉय सरोज परमानिक। स्कोर बोर्ड पर रन लगे हैं कितने, 22 रन।
दर्शकों का हुजूम धीरे धीरे लगता हुआ, जिसको पता चल रहा है कि आज बड़े स्टार इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आएंगे। और लीजिए टाइम नहीं कर पाए, जगत के पैर बहुत चलते हैं, जैसे शरीर में चींटियां चलती है ना वैसे इनके पैर चलते हैं धीरे धीरे। ओके, इसके बाद तुरंत मुकाबला खेला जाएगा, शारिक इलेवन भोपाल वर्सेस पिरामीटर गुजरात। बाउंड्री लाइन पर दिलीप बिजवा कैप्टन, लॉन्ग ऑफ पर बड़ा शॉट, क्या बात है, हेलीकॉप्टर पहुंचाया सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। मैक्सिमम सिक्स, ये छोटा बॉल डाल लीजिए वहां पर, फाइन लेग की तरफ कह रहा है, वन बाउंस ओवर दो। में आप सरोज जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, स्ट्राइक पर है जगत सरकार, तो उनको इस तरीके से गेंदबाजी नहीं कर सकते आप, नहीं तो सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ दिशा दिखा देंगे। ओहो, ये वाली तेजी डिलीवरी, ओवर की समाप्ति हुई है, दो ओवर की समाप्ति पर टीम की रन संख्या पहुंची है 32-32। के साथ में जिस तरीके से कब्बू बल्लेबाज ने आरंभ किया भाई, और बहुत शानदार शुरुआत की, जबकि एक बहुत बड़ा झटका यहां पर लगा। छह मैच है भाई, जल्दी जल्दी आप एम्पायर और साथ में भाई कंटिन्यू रखे भाई मैच को। सचिन मालिक जो कि शानदार एक विकेट कीपर बल्लेबाज, जल्दी आउट होकर वापस लौटे यहां पर भाई हमारे सचिन तांबे जी की तरफ से। इस ओवर में 2000 रुपए का पुरस्कार है छक्का लगाने पर, दो छक्के लगाने पर। देहरादून काफी अच्छा प्रदर्शन कर दिया, अभी टारगेट है यहां पर 106 105 रन का, 104 बनाए थे पहले खेलकर। फिरोजिया ट्रॉफी सन 2022 सांसद ट्रॉफी में भाई आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई, लोकप्रिय सांसद हमारे यहाँ के इस क्षेत्र के अनिल फिरोजिया जी। बेहतरीन बॉल, बल्ले का थोड़ा सा बाहरी किनारा, निकलते हुए गेंद थर्ड मैन के ऊपर, जहां पर काफी बढ़िया इंसान और करकेंगे। लसित मलंगा की याद दिलाते हुए प्रदीप मलिंगा, लेफ्ट आर्म यॉर्कर का अटैक, ये देखिए अंदर की तरफ लाते हुए, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर, सिलीमेट ऑफ की दिशा में गेंद को रोकते हुए। तारीफ करनी होगी भाई फील्डर की भी, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहां पर, और दोनों ही टीमें काफी बेहतरीन टीम है भाई, और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर, और थोड़ा सा सलाम मशवरा चलते हुए यहां पर दिलीप बिजवा के साथ में प्रदीप मलिंगा की। और अब देखिए आप एक और जादुई आंकड़ा वहां पर, लेफ्ट आर्म गेंदबाज और लेफ्ट हैंडर बैटमैन मैदान पर, जगत सरकार। व
बढ़िया यॉर्कर लेंथ बॉल थी, वहां पर कवर की दिशा में गेंद को ड्राइव किया और सेफ शॉट है, वहां पर कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। गेंद एक बार फिर से गेंदबाज के हाथ में और अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए, तो बहुत अच्छा वेलकम दिया यहाँ पर आते थे यॉर्कर, या बाउंस से अच्छा कोई वेलकम हो नहीं सकता क्रिकेट के अंदर, बिल्कुल जड़ में। एक और थोड़ी सी लो फुल टॉस बॉल थी यहाँ पर और गेंद को ड्राइव करते हुए सिली डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक और रन के साथ में कुल स्कोर आगे बढ़कर इसी बीच 38 रन। सिक्सेस बोर्ड के ओनर भाई हमारे मध्य जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है उनका, अभिनंदन इस मैदान पर। टॉस बॉल काफी बढ़िया जोड़ दिया है गेंद को, छह रनों के लिए मिड ऑफ के ऊपर से बेहतरीन गगन चुंबी छक्का। बढ़िया बॉल वहां पर चेंज ऑफ पेस के साथ में भाई, दर्शक ने कैच लिया हो तो वो कमेंट्री बॉक्स में आकर अपना पुरस्कार भाई हासिल कर ले यहां से, क्योंकि हमारे टूर्नामेंट में दर्शकों के लिए भी काफी बेहतरीन पुरस्कार रखे गए भाई। और इसी बीच को स्कोर आगे बढ़कर 3 ओवर में 44 रन, क्या बेहतरीन, बहुत शानदार प्रदर्शन करना होगा भाई 3 ओवर में 44 रन। 44 3 ओवर में, और शानदार प्रदर्शन करते हुए यहां पर तारीफ करनी होगी भाई फिरोजिया ट्रॉफी, अनिल जी फिरोजिया भाई हमारे लाडले सांसद महोदय, अपने पिताजी श्री भूरेलाल जी की स्मृति में भाई। थोड़ा सा फास्ट चले भाई, क्योंकि काफी मुकाबले है भाई आज यहां पर, इसलिए मैं अंपायरों से भी गुजारिश करूंगा और दोनों ही टीमों से बिल्कुल समय का ध्यान रखें और अनुशासन का बिल्कुल पालन करते रहे भाई, ताकि आज काफी बेहतरीन मुकाबले यहाँ पर खेले जाने हैं भाई। अगला शानदार मुकाबला देखा था अपने उस्मान पटेल जैसे एंटर हुए थे मैदान के अंदर, सेल्फी मेल्फी का जमाना है भाई, चारों तरफ दर्शक जो कि सेल्फी ले रहे हैं और इन यादगार लम्हों को कैद करते हुए अपने अपने मोबाइल्स के अंदर। एक बहुत बड़ा नाम है जो कि भाई उज्जैन की धरती पर दोनों ही कैप्टनों से गुजारिश है कि वो अपनी प्लेइंग 11 के संपर्क में भाई हमारे चांदवानी अंकल जी से संपर्क करें भाई, बराजी चांदवानी भेंट करते हुए यहां पर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के लिए। एक शानदार मुकाबला, अगला बेहतरीन महामुकाबला खेला जाएगा जो कि नायडू एक बार फिर से आते हुए उठाकर खेला है गेंद को फाइन लेग रीजन के ऊपर से, क्या करारा प्रहार भाई, बिल्कुल करारा शॉट, शानदार छक्का। 6 रन के साथ में कुल स्कोर आगे बढ़कर इसी बीच 50 रन मुकम्मल होते हुए 50 अब कंप्लीटेड। बेहतरीन प्रदर्शन बॉल वहां पर मैदान के अंदर वापस आते ही, लेकिन सेक्सेट के जो ओनर है भाई उनकी तारीफ करनी बनती है भाई, क्या बेहतरीन प्रोडक्ट, बिल्कुल डिलीवरी ऑफ बाई डिलीवरी, और जो डिलीवरी गेंद को बिल्कुल डिलीवर यानी प्रोडक्ट किया भाई, शानदार गेंद, बिल्कुल ऐसी गेंद से थोड़ा सा अच्छा मजा आता है मैच में। इस बार थोड़ी सी ये बाहर निकलते हुए बॉल को लेफ्ट करते हुए बल्लेबाज पूरी तरीके से, क्योंकि तो बाहर गेंद शारिक 11 की टीम के इसके पर कप्तान कैप्टन अंकुर सिंह कमेंट्री बॉक्स में आए भाई। तैयार एक बार फिर से अगली बॉल, यहां पर क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहां पर बैट्समैन की तारीफ करनी होगी भाई, जगत सरकार, बिल्कुल आज तो उज्जैन की जनता के दिलों पर राज कर रहा है जगत सरकार। और इसी बीच यहां पर थोड़ा टाइमिंग में कमजोरी रह गई हो।
बहुत बहुत स्वागत है भाई अंकुर सिंह जी का जिस मैदान पर उज्जैन की इस धरती पर भाई बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत इसके पर ऑफ द शारिक 11 भोपाल टफ कैप्टन अंकुर सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन है भाई। नायडू एक बार फिर से तैयार काफी अच्छी सफलता अर्जित करते हुए नायडू यहां पर और थोड़ा सा फील्ड प्लेसिंग में बदलाव करते हुए यहां पर डीप स्क्वायर लेग पर चेंज करते हुए यहां पर एक बार फिर से तैयार नायडू लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज क्या पावर जनरेट करते हुए बेहतरीन लंबा गगन भेदी छक्का शानदार छक्का वहां पर क्या बेहतरीन बल्लेबाजी सागर अली ने बिल्कुल ऐसा लगा महासागर में गेंद को पहुंचा दिया हो बिल्कुल क्या बेहतरीन बल्लेबाजी सागर अली बेहतरीन शुरुआत करते हुए पहली गेंद से 600 के स्ट्राइक रेट के साथ में अपनी पारी का आरंभ करते हुए यहां पर शुरुआत देते हुए तारीफ करनी होगी भाई कुल स्कोर आगे बढ़कर 57 रन जगत सरकार के जाने के बाद देखिए रिप्लेसमेंट में कितने अच्छे बल्लेबाज मैदान पर आए भाई सागर अली बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए यहां पर तारीफ करनी होगी देहरादून धमाका क्रिकेट क्लब आज इस मैदान पर उत्तराखंड की यह टीम काफी अच्छा जवाब देती हुई यहां पर और क्योंकि तैयार एक बार फिर से अगली डिलीवरी डेड बॉल करा देते हुए अंपायर यहां पर रोजिया ट्रॉफी स्कोर है 57 रन को स्कोर आगे बढ़कर 57 रन बेहतरीन बाउंड्री चार रन वन बाउंस वन शानदार बल्लेबाजी भाई तारीफ करनी होगी प्रदर्शन है यहां पर तारीफ करनी होगी तीन विकेट के नुकसान पर 61 रन काफी बढ़िया प्रदर्शन एक बार फिर से अगली बॉल क्या बेहतरीन बल्लेबाजी है यहां पर सागर अली आते थे क्या बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए और शानदार शुरुआत एक और करारा प्रहार इस बार गेंद हवा में और आउट होते हुए यहां पर कर रहे हैं तारीफ करनी होगी क्या बेहतरीन गगन भेदी शॉट लेकर उसके बाद लगातार अपने विकेटों का पतन चलता हुआ उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा यहां पर
इसके बाद एक शानदार मुकाबला भाई। इकसठ रन को ले स्कोर आगे बढ़कर 105 रन का लक्ष्य मैच जीतने के लिए। 44 इकसठ रन को ले स्कोर आगे बढ़कर 4 विकेट के नुकसान पर। रन अभी भी 44 रन की दरकार है भाई, और बहुत शानदार प्रदर्शन करना होगा जिस तरीके से खेल रहे हैं। बहुत अच्छे चल रहे हैं अब तक, लेकिन विकेटों को थोड़ा पकड़ के बिल्कुल उठाकर खेला है गेंद। सेट रन को ले स्कोर आगे बढ़कर उनके भी लगभग 4 ओवर की समाप्ति पर। सड़सठ ही थे लगभग दोनों ही टीमों के, काफी अच्छी एक स्थिति में यहां पर नजर आते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए रहा। आपको आगे कॉल सुनाएंगे हमारे सागर मुल्ताई जी। भैया थोड़ा जल्दी जल्दी करें, हम पारों से गुजारिश है और थोड़ा सा शुक्रिया। ये थे मैच का आंखों देखा हाल, अब तक आपको सुना रहे थे गुना के कमेंटेटर मोहम्मद सादिक खान। मैं एक बार फिर पूरे सम्मानित मंच को सादर प्रणाम करते हुए इस बाबा महाकाल की नगरी के क्षीरसागर मैदान पर मैदान के चारों ओर बैठे हुए बहुत अच्छे क्रिकेट प्रेमियों का स्वर्गीय श्री भूरेलाल जी फिरोजिया की स्मृति में आयोजित ये सुप्रसिद्ध भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट में तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं। इनसाइड एज लगा था, लेग स्लिप पर गेंद गई, कोई रन नहीं। अब आने वाली 23 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए। ये पांचवें ओवर की पहली गेंद फेंकी गई थी, स्कोर है 67। 8-8 ओवरों का मुकाबला है, जीतने के लिए 105 105 चाहिए। फिर बल्ले का टॉप एच लगा, थर्ड स्लिप पर गेंद गई, कोई रन नहीं। दो अच्छी डॉट गेंदे, प्रदीप मलिंगा है गेंदबाज। स्ट्राइक पर सरोज, नॉन स्ट्राइक पर सागर अली। इस टूर्नामेंट के संरक्षक, इस टूर्नामेंट के प्रमुख आयोजक सम्माननीय अनिल फिरोजिया जी। मौका छोड़ा यहां पर, एक विकेट यहां पर गिर सकता था, आसान सा कैच था, एक रन यहां पर मिला। 68 रन टीम का स्कोर, ये पारी का पांचवा ओवर फेंका जा रहा है। अब सागर अली स्ट्राइक पर, गोलू अली, गोलू लेफ्टी। 68 रन टीम का स्कोर,
प्रदीप मलिंगा एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए। इस टूर्नामेंट के सह आयोजक पंचम गणेश क्रिकेट क्लब उज्जैन, जिस टीम के कैप्टन है नितेश बाथम जी, उज्जैन क्रिकेट के कप्तान नितेश बाथम, मोहन बाथम जी, असलम लाला, अमजद लाला, आरिफ अली, शाहरुख लाला, तमजीर, सुमेर पठान। वाह, बहुत जल्दी गेंद को पढ़ लिया था, बैक फुट पर जाकर पुल किया है। खूबसूरत अंदाज, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन लगातार। पांचवा और फेंका जा रहा है, मात्र 4 विकेट हुए, 80 टीम का स्कोर। धमाका क्लब देहरादून, एक थप्पड़ खाई गेंद आउट लाइन के बाहर, डीप स्पेल। रन जीतने के लिए 105 चाहिए और इस टूर्नामेंट में जो बॉल प्रदान की गई है, गेंद प्रदान की गई है, 6 रन के अनर सम्मान्य जितेंद्र जी मंच की शोभा बढ़ाते भी है। सानू डीजे, गेंद और बल्ले की कहानी के बीच बीच में आपको संगीत की मधुर धुनें सुनाते भी है। ये बैक फुट पर जाकर डीप बैक और उसके लग के ऊपर से खेला 6 रन। सत्रह गेंद 15 रन, धमाका करते हुए धमाका क्रिकेट क्लब देहरादून। इस बार हल्के हाथों से खेला, लॉग ऑन के क्षेत्र में गेंद जा रही है, 1 रन यहां पर जरूर मिलेगा। 91 पे पहुंची धमाका क्लब देहरादून, अर्जुन क्लब बुट्टीबुरी नागपुर के खिलाफ। 8 ओवर में 104 बनाए थे, 105 का टारगेट है, अब केवल 14 चाहिए जीतने के लिए। बहुत खूबसूरत गेंद ये थी, साफ सीधे रिप्टो पर।
इलेवन भोपाल वर्सेस पैरामीटर गुजरात के बीच। ये अच्छी गेंद, कोई रन नहीं। अब आने वाली 14 गेंदों में 14 रन, 14 गेंद 14 रन। ये बढ़िया स्ट्रोक लगा बॉर्डर के ऊपर से 6 रन। अब मात्र 8 रन में क्या हो सकता। इस बार पॉइंट और गली के बीच में गेंद गई थी, फील्डर वहां पर तैनात, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त हुआ, 6 ओवर में 97 रन, 6 ओवर 97 रन। सिक्स हेड के ऑनर सम्मानी जितेंद्र जी मंच की शोभा बढ़ाते भी हैं। इस मैच के बाद जो मैच खेला जाएगा, बहुत बड़ा मुकाबला, सारी इलेवन दमदार भोपाल और पैरामीटर बड़ौदा गुजरात के बीच। हिंदुस्तान टेनिस क्रिकेट जगत के सितारे उसमें आपको दिखाई देंगे। उस्मान पटेल, प्रथमेश पवार, अंकुर सिंह इंडियन टेनिस क्रिकेट टीम के कैप्टन, और बंटी पटेल। 6 ओवर 97 रन। इससे पहले कि सातवें ओवर की पहली गेंद फेंकी जाए, लीजिए मैं आपको लिए चलता हूं मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अरुण वर्मा उर्फ हुरचुम्मा के पास। एक हाथ से कैच पकड़ने पर गेंद पर 8 रन, टीम के कैप्टन जादुई ऑलराउंडर दिलीप बिजवा। लेकिन सरोज की तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से इनिंग को बिल्ड किया और टीम को एक सही मजबूत पोजीशन पर पहुंचाया सरोज। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर कामरान। आप दर्शक अंदर हो जाए बाउंड्री लाइन पर। आप लोग भैया आप ही से कह रहे हैं सर, प्लीज आप लोग। हाँ जी, आप अंदर लीजिए। ड्राइव किया वहां पर एक्स्ट्रा कवर में, लेकिन दिलीप पहले गेंदबाजी करने आते तो निश्चित रूप से काफी इफेक्टिव साबित हो सकते थे, लेकिन दिलीप है, उनको पता है कहां पर गेंदबाजी करनी है। स्ट्राइक पे कामरान पहुंचे, 7 रन बनाने हैं 10 गेंदों पर। कमजोर दिल वाले मैच न देखे घर चले जाए, हाई वोल्टेज ड्रामा मैच है, कहीं अटैक आ गया तो दिक्कत में फंस सकते हैं आप लोग। और लीजिए बहुत ही शानदार, और रविराज ने कैच पकड़ा, काफी अच्छा बड़ा मुकाबला, लेकिन एक काफी अच्छी टीम धमाका देहरादून की ये टीम। नौ गेंदों पर 7 रन, और अगर यह मैच टाई हो गया तो साबित हो जाएगा दुनिया गोल है। पकड़े रहा और रखा और टीम को यहां तक पहुंचाया। सरोज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, सरोज एक बेहतरीन काबिल बल्लेबाज, टेनिस बॉल बंगाल के लोकल बॉय, वेस्ट बंगाल। स्ट्राइक पे अभिषा अविनाश राणा। इनकी थोड़ी सी इंजरी है, लेकिन आज इस खिलाड़ी का जज्बा देखिए,
अपना 100% देते हुए दिलीप बेजवा। लीजिए बड़े आराम से शॉट खेला, वहां पर फील्डर मौजूद है डायरेक्ट हिट, लेकिन सिंगल से ही संतोष पहुंचना पड़ेगा। स्ट्राइक पे पहुंचे सरोज, टीम की रन संख्या पहुंची है 99, 6 रन चाहिए। क्या महेंद्र सिंह धोनी बन पाएंगे, क्या छक्का लगाकर 2011 का वर्ल्ड कप जिस तरीके जिताया था क्या वैसा कारनामा कर पाएंगे या दिलीप रोकेंगे, दिन में दिलचस्प होगा। और दिलीप की यही खासियत है, कति परिवर्तन कर देते हैं, दही दिखा के रायता चटा देते हैं, कभी कभी बच गए। आ जाए, दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस के लिए पहुंचे, कैप्टन अंकुर सिंह, कैप्टन अफजल सिंधी। लेकिन सरोज ने आप भाई हाई